जगदीश बाबू, आजकल तो हमारा ज्यादा टाइम ये खेतों में ही गुजरे है। बेटे तो यहाँ आजकल देखने को भी ना आवे हैं। कुछ भी कहें चौधरी साहब, आपकी जमीन है उपजाऊ। हाँ वो तो है। कौन कौन सी खेती हो इसमें? वैसे तो यहाँ गेहूं, चना, चावल सब उगे हैं। लेकिन आजकल क्या है, सब्जियों का मौसम है, मौसम के हिसाब से हम यहाँ पर बोते हैं फसल। अभी तो यहाँ आजकल गोभी है, टमाटर है, मिर्ची है, बैगन है, कोहड़ा है, लौकी है, सब पूरा एकदम लदा पड़ा है। बस ऑर्डर आता है बाजार से, ट्रक में सब्जियां भर भर के भेज देते हैं। खैर ये सब बात छोड़ो, जगदीश बाबू हमने शादी के समय जो आपको पैसे दिए थे, तो कुछ काम धंधा शुरू किया क्या? ना चौधरी साहब, काम धंधा तो तब करें जब पीछे कुछ पैसे हो। मतलब सर पे कुछ कर्जा वर्जा था के? चौधरी साहब, उस कर्जे को चुकाने के लिए तो हमें धोखे से अपनी अंबिका बिटिया का सौदा करना पड़ा। तो बिचारी तो खुद इस सौदा रीति के खिलाफ थी, तो गांव की लड़कियों को जागरूक कर रही थी कि सौदा रीति से शादी ना कर रही। ये मालूम था कि वो बिचारी खुद ही इसमें फंस जाएगी। तारे कहने का मतलब है, तारे गांव में लड़कियों का सौदा खुशी से नहीं बल्कि कर्जे से छुटकारा पाने के लिए करना पड़ता है, यही ना? वैसे थारे गांव में किसका दबदबा है? ठाकुर का। वो गरीब लोगों को कर्ज देता है और उस कर्ज को उतारने के लिए उन लोगों को अपनी बेटी का सौदा करना पड़ता है। हाँ भाई बापू, किस चीज के सौदे की बात कर रहे हो आप लोग? किसी के नहीं, तुझसे कुछ काम कहा था मैंने, खत्म करके आया या इसी चला आया? ओ बापू, काम दाम तो मैं करके आ गया, लेकिन ये बताओ कि सौदे की क्या बात चल रही थी? अरे मैंने बताया ना, किसी के सौदे की नहीं, चुप से बैठ। बापू मैं पागल हूँ के? अपनी कानों से सुन के आया हूँ मैं, हैं? बताओ। अरे सौदे की बात सुनकर तेरे कान बड़े जल्दी खड़े हो जावे हैं, हैं? देखो बापू, भाषण तो दो मत, आप ये बताओ कि ये सौदे की क्या बात थी? चल साहब आप ही बता दो, ये तो बताएंगे नहीं बेटा। वो हम जब हम इस जमीन की बात कर रहे थे। अब जगदीश बाबू इस जमीन के बड़े अच्छे दाम दिलवा रहे हैं। ओ बापू पागल हो गए हो, जमीन के सौदे की बात मत करना, समझ गए? जमीन हमारी माँ होती है, हमको खाना पीना देती है। जमीन बेचने की बात सुनकर तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तेरा खून खौल रहा है, लेकिन किसी की बेटी का सौदा करके आए उस समय तुझे बहुत खुशी हो रही थी। किसी से जबरदस्ती की है के? चल साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो। अरे किसी की मजबूरी का तो फायदा उठाया है ना, है? देख बापू, जबरदस्ती करनी होती ना शादी करके नहीं रखते, हैं? सौदे में ले आते ऐसे ही। आप तो यूं ही आपस में झगड़ना शुरू कर दी, कहां की बात कहां पहुंचा दी, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। देखो जी, हम तो अपनी अंबिका बिटिया की यहां शादी करके बहुत खुश है और हमारी बेटी भी अंबिका बहुत खुश है। हाँ ये बात है, चोई साहब समझाओ इनको। बापू तो समझ चुका है, अब तुम लोग भी ये सब बात जल्दी समझ जाओ तो अच्छा है। देख रहा हूँ मैं बापू कितना समझ रहा है।